नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विश्राम मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, एक नवीन विषय बिंदु के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास विषय से संबंधित जिस विषय बिंदु पर परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिस विषय बिंदु का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसका शीर्षक है इतिहास की जानकारी के स्रोत। अर्थात इतिहास विषय की जानकारी के लिए या किसी तथ्य है, किसी घटना है या किसी ऐतिहासिक कारण का विश्लेषण करने के लिए किन वैधानिक स्रोतों या किन प्रमाणिक स्रोतों का हम सहारा लें, ताकि हम उस विषय वस्तु या उस तथ्य या घटना के बारे में यथार्थ के बिल्कुल सन्निकट जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आज के हमारे विषय बिंदु का शीर्षक इतिहास की जानकारी के स्रोत के अंतर्गत हम इसी पर परिचर्चा करने का प्रयास करते हैं या इस इतिहास की जानकारी के स्रोतों को समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास की जानकारी के लिए किन माध्यमों की आवश्यकता है, किन टूल्स की आवश्यकता है या वो कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम किसी तथ्य, किसी घटना या किसी कारण का सही तरीके से विश्लेषण प्रदान कर सकते हैं या उसको समग्र दृष्टि के रूप में हम देख सकते हैं। तो इतिहास की जानकारी के स्रोत विषय बिंदु पर हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इतिहास की जानकारी के स्रोत, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इतिहास की जानकारी के स्रोत के हम तीन माध्यमों का मुख्यतः सहारा लेते हैं, और भी माध्यम हो सकते हैं लेकिन तीन ये प्रधान माध्यम हैं जिसके आधार पर हम किसी तथ्य है, किसी घटना है या किसी व्यक्ति के या किसी ऐतिहासिक विवरण है या कारण है उसके विश्लेषण को अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं या हम कह सकते हैं कि वो कौन से माध्यम है जहाँ से हमें किसी तथ्य या घटना के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सकती है या किसी इतिहासकार ने किन माध्यमों का सहारा लिया होगा अपनी बात को कहने के लिए या किसी कारण को समझाने के लिए या किसी घटना का विवरण देने के लिए, वो कौन से माध्यम है या कौन से स्रोत हैं या कौन से टूल्स हैं जिसको उन्होंने अपनी जानकारी देने में या अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति देने में उनको उन्होंने माध्यम बनाया है। तो इतिहास की जानकारी के स्रोतों को हम मुख्यतः तीन भागों में विभाजन कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इतिहास की जानकारी के स्रोतों के अंतर्गत हम सबसे पहले भौतिक अवशेषों को माध्यम बनाते हैं, इसमें दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्तियों का घटना या तथ्य के बारे में विवरण। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि इतिहास की जानकारी के तीन स्रोत हैं, भौतिक अवशेष, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का किसी घटना या तथ्य के बारे में दिया गया विवरण। अब हम एक एक इन स्रोतों को या इन माध्यमों को समझने का प्रयास करते हैं कि भौतिक अवशेष का तात्पर्य क्या है या भौतिक अवशेष में हम उपस्रोत के रूप में किन माध्यमों को या किन टूल्स को शामिल करते हैं। दूसरा, साहित्यिक स्रोत में हम किस तरह के साहित्य को उसमें शामिल करते हैं। तीसरा, युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का तात्पर्य क्या है, किसी घटना या तथ्य के बारे में युगीन व्यक्ति या समकालीन व्यक्ति का आशय क्या है। तो हम हमारी जानकारी के स्रोत नंबर प्रथम से हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि इतिहास की जानकारी के स्रोत के लिए या किसी घटना या तथ्य के बारे में अपना विवरण देते समय या किसी घटना या तथ्य के बारे में लेखनी करते समय या किसी घटना या तथ्य के बारे में पब्लिक डोमेन में बोलते समय हम किस चीज़ को सहारा बनाते हैं, उसमें सबसे पहले आती है भौतिक अवशेष। यहाँ पर भौतिक अवशेष का तात्पर्य वो सभी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई देती हैं या जिनको हम छू सकते हैं। भौतिक अवशेष का तात्पर्य जिनको हम छू सकते हैं या हम जिन्हें देख पाते हैं या हमारे आसपास जो मनुष्य के सृजनात्मक शक्तियों के कारण से जिनका विकास हुआ है, वो सारी चीज़ें आती हैं भौतिक अवशेष। हम इतिहास की भाषा में इन्हें हम पुरातात्विक स्रोत भी कह सकते हैं। भौतिक अवशेष के अंतर्गत व्यक्ति जो अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है या जिनके माध्यम से अपने जीवन यापन करता है या किस तरह के वो मकान में रह रहा है, किस तरह के वो कपड़े पहन रहा है, भोजन सामग्री में किस खाद्य सामग्री का वो इस्तेमाल कर रहा है या किन बर्तनों और औजारों को अपने दैनिक जीवन में वो प्रयोग में ला रहा है
ये सारी चीज़ें भौतिक अवशेषों के अंतर्गत आती हैं। इसमें चाहे कोई रोड हो, या कोई स्मारक हो, या कोई मृदभांड हो, या कोई औजार हो, या उसके रोजमर्रा के उपयोग में ली गई कोई वस्तु हो, ज्वारात हो, या कुएं बावड़ी, जो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो भौतिक अवशेष के अंतर्गत आती हैं। और इतिहास की भाषा में हम इन्हें पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत का मतलब उन चीज़ों से है जिसको मनुष्य ने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को सहज बनाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया था। तो भौतिक अवशेष वो हैं जो कि जिसका मनुष्य के रोजमर्रा के जीवन से सीधा संबंध होता है। और चूंकि कोई मनुष्य है वो किसी जगह पर रह रहा है, किस तरह के भवन में वो रह रहा है, या किस तरह के वो ज्वेलरी का या आभूषणों का या खिलौनों का या मनोरंजन के साधनों का, या वो किस तरह के उसके धार्मिक संस्कार हैं, या किस तरह के वो धार्मिक अनुष्ठान हैं, या उसके समय में किस तरह की मुद्रा का वो इस्तेमाल कर रहा है, या उसके घर के बाहर कोई पट्टिका लिखी हुई है, तो उस चीज़ों से किन बातों का संकेत मिलता है, ये सारी की सारी जो जो सामग्री है उसे हम भौतिक अवशेष कहते हैं, या पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत इसको हम शामिल कर सकते हैं। भौतिक अवशेष या पुरातात्विक सामग्री के अगर हम उपस्रोत की बात करें तो विभिन्न प्रकार के स्मारक, स्मारक वो होते हैं जिसमें मनुष्य रहता है या अपना आवास बनाता है, या धार्मिक प्रयोजनों के लिए होती है, या सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए होती है, व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए स्मारकों के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। इसी के अंतर्गत मृदभांड होते हैं या विभिन्न प्रकार के बर्तन होते हैं जिसका वो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करता है। इसी में विभिन्न प्रकार के सिक्के आते हैं, इसी में विभिन्न प्रकार के अभिलेख आते हैं, या इसी में विभिन्न प्रकार के औजार आते हैं, या इसी में विभिन्न प्रकार के उसके दैनिक जीवन में उपयोग ली गई वस्तुओं या अनाज की जो सामग्री है, या उसके जो धार्मिक संस्कार से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, या इसके द्वारा अपने कुएं हैं, बावड़ी हैं, सड़कों का निर्माण है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर, ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं वो भौतिक अवशेषों के अंतर्गत आती हैं या उसके पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो इतिहास की जानकारी के लिए भौतिक अवशेष ये पुरातात्विक स्रोत है, वो इतिहास की जानकारी के लिए किसी तथ्य या घटना के विवरण देने के लिए सबसे अहम सामग्री है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन इसके साथ एक चीज़ जो समझने की आवश्यकता है, भौतिक अवशेष और पुरातात्विक स्रोत वो एक तरह से मूक होती है, वो अपने आप अपने बारे अपनी घटना के बारे में विवरण नहीं देती। यहाँ पुरातात्विक स्रोतों को या भौतिक अवशेषों को जो आवाज़ जो शब्द है जो अभिव्यक्ति है वो प्रदान करने का काम करता है इतिहासकार। इतिहासकार जो प्रदान करता है तो इतिहासकार अगर सिर्फ उस किसी घटना का विवरण पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही दे रहा है और उसने साहित्यिक स्रोत या युगीन व्यक्तियों के विवरण की अनदेखी की है, तो हम ये भलीभांति समझ जाएंगे कि वो उस घटना के बारे में सिर्फ 1/3 सच्चाई है, उसकी 100% सच्चाई का उसने विवरण नहीं दिया। तो किसी घटना को समग्रता से देखने के लिए हमें तीनों जानकारी के स्रोतों का माध्यम बनाना होगा। हमने प्रथम जानकारी के स्रोत की बात की, भौतिक अवशेष। भौतिक अवशेष को मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, भौतिक अवशेष का तात्पर्य यह है कि किसी तथ्य या घटना से सीधे जुड़ी हुई कोई वस्तुएं जो निःशब्द होती हैं, जो एक तरह से तथ्य होती हैं, जो एक तरह से बिल्कुल सत्यता के नज़दीक होती है, जिसमें अपने को बयां करने के लिए शब्द नहीं होते, अभिव्यक्ति नहीं होती, ये शब्द और अभिव्यक्ति देने का कार्य है, उस घटना का विवरण देने वाला या इतिहासकार है या अनुसंधान करता है, उन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर अपने निष्कर्ष किसी घटना के बारे में प्रदान करता है। तो भौतिक अवशेष कहूँ या पुरातात्विक स्रोत, इसमें स्मारक, मृदभांड, अभिलेख, सिक्के, कुएं, बावड़ियाँ या विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख शास्त्र हैं, वो सारी सामग्री को हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। इतिहास की जानकारी के दूसरे स्रोत के अंतर्गत हम शामिल करते हैं साहित्यिक स्रोत। ये इतिहास की जानकारी के लिए साहित्यिक स्रोत का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और इतिहास की किसी भी घटना या तथ्य के बारे में जानकारी तब तक अपूर्ण है जब तक कि पुरातात्विक स्रोतों में मिली हुई या कही गई बातों की पुष्टि साहित्यिक स्रोत से नहीं हो जाती। क्योंकि ये कहा गया है कि सत्य तभी तक सत्य होता है जब तक कि ज़्यादा से ज़्यादा मत या ज़्यादा से ज़्यादा तर्क उसके पक्ष में झुके हुए हों। अगर पुरातात्विक स्रोत या भौतिक अवशेष के आधार पर किसी घटना का विवरण दिया गया है और साहित्यिक स्रोत से उसकी पुष्टि हो जाती है, तो हम ये समझ सकते हैं या हम ये कह सकते हैं
कि उस घटना का विवरण या उस घटना के बारे में कही गई बातें काफ़ी हद तक सही है। पूर्ण सत्य नहीं होती, क्योंकि प्रकृति में या इस ब्रह्मांड में पूर्ण सत्यता नाम की कोई चीज़ है वो विद्यमान नहीं है। सत्य तभी तक सत्य है जब तक कि हमारा मत, हमारा विश्वास या तर्क उस घटना या तथ्य के साथ विद्यमान है। जिस दिन तथ्य या घटना को गलत साबित करने वाले तथ्य प्रकाश में आ जाते हैं या वो हमारे अस्तित्व में आ जाते हैं, उसी दिन उस जो सत्य नामक जो हमारा जो विचार था, सत्य नामक जो हमारा विश्वास था, वो एक तरह से उसमें विचलन पैदा हो जाती है और कोई नवीन तर्क के साथ स्थापित सत्य है उसका स्थान ले लेता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहास की जानकारी के स्रोत में भौतिक अवशेषों को वैधता तभी मिलती है या प्रमाणिकता तभी मिलती है जब साहित्यिक स्रोत उस बात की पुष्टि करें। साहित्यिक स्रोत का मतलब उस घटना के बारे में इतिहासकारों ने उसका विवरण किस तरह से दिया है। साहित्यिक स्रोत लौकिक जीवन से भी संबंधित हो सकते हैं या धार्मिक घटनाओं से भी संबंधित हो सकते हैं। तो हम साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटते हैं, एक तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य और एक दूसरा होता है धार्मिक साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य में जैसे हम कहें कि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, वो एक तरह से धर्मनिरपेक्ष साहित्य हो गई।